अच्छा एक सेकेंड, एंड आई विल स्टार्ट दिस. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम डॉक्टर नीलेश मेश्राम एंड आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड होपफुली आई विल बी कंडक्टिंग यूर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस जब तक कि अपना रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होते हैं, तब तक कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पर ज्वाइन करेंगे. और ये वीडियोस जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे या जो कुछ भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सब मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा. तो आप अगर आपका अभी नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू है या आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो आप लोग वहाँ YouTube के चैनल पर जाकर आप कभी भी वो वीडियोस देख सकते हो. सो दे आर ऑल फ्री. सो ऐसे ही हम लोग लेक्चर्स के बारे में भी करेंगे कि जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, वो हम लोग YouTube पर डालेंगे. यानी मैं तो डालने वाला हूँ, बाकी आप लोग, बाकी जो दूसरे टीचर्स रहेंगे वो उनका उनके हिसाब से करने वाले. राइट, चलिए. तो मैं ये बोल रहा था कि हमारी अभी बात हुई तो संकेत ने बहुत अच्छी बात कही कि ही इज रेडी टू हियर मी इन इंग्लिश. हाँ, कुछ कुछ बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम है बेटा कि हम लोगों को उनको भी लेकर चलना है, बिकॉज वी आर अ टीम, वी आर अ होम, वी आर अ फैमिली. हमारी छोटी सी फैमिली है या इस फैमिली में क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि वो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाए. और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी वैसे ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मैं भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी. और मैंने अपने लाइफ में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई है. और जो कुछ भी इंग्लिश मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, तब मैंने सीखना शुरू किया और मैं आज बोल पा रहा हूँ. मुझे लगता नहीं कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इंग्लिश में, बट मैं कोशिश करता हूँ और मैं हर दिन एक नया सेंटेंस पूरा सीखने की कोशिश करता हूँ और उसको एक्सप्रेसिवली कैसे प्रेजेंट करें ये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. तो मैं हमेशा आप लोगों को ये सब चीजें अभी बताते रहूंगा इन कमिंग क्लास. आज का क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्शन था. संकेत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आपके उधर से आवाज आ रहा है. आई हैव म्यूटेड यू. राइट, सो मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको रेगुलर इंटरवल्स पर ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहूंगा. आज का क्लास हम लोगों ने सिर्फ ये जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है, ज्वाइन कैसे करना है या फिर क्या कहते हैं जूम ऐप कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे चालू करना है, ये सब चीजों के लिए मैंने आज का लेक्चर एक्चुअली रखा था. एक्चुअली मुझे ये बताया गया है कॉलेज से कि आज आपने क्लास नहीं लेना है फ्रॉम माई अथॉरिटीज, बट सिंस आई होप दैट दिस इज अवर फर्स्ट क्लास and I don't need to miss this class anyhow. So I welcome you all in this department electronics. और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि electronics के क्या क्या फायदे. आपने electronics अगर लिया है तो don't get demoralized कि मुझे कहीं admission नहीं मिली इस वजह से I am now nothing to do and therefore I opted for the subject electronics. अगर आपका ऐसा logic है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे विचार मैं बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना स्कोप है उतना स्कोप मुझे आज तक के कहीं और किसी सब्जेक्ट में नहीं दिखा है. बाकी सब्जेक्ट्स में भी होप है, स्कोप है सॉरी, बट आपके तरफ से फीडबैक आना बहुत जरूरी है. आपके तरफ से अगर फीडबैक नहीं आता है तो फिर मैं हैंडीकैप हो जाता हूँ, है ना. आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है. ये सब चीजें आप लोगों के लिए है. मैं हम लोग इतनी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये पूरी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं. मुझे एक एक सॉरी मुझे एक एक मुझे एक एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है या मेरे टीचर्स को एक एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है और उस प्रेजेंटेशन पर हम लोगों को आपके क्लासेस करने पड़ते, तो उसके लिए मेहनत लगती है. वी रिक्वायर अराउंड 2 to 3 hours टू मेक दोस प्रेजेंटेशन. और ये प्रेजेंटेशन फिर आप लोगों ने सुनना और आपको उसमें कुछ समझ में आना,
ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि ये पेंडेमिक चालू है कोरोना का, उसके वजह से हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, नहीं तो चौक डस्टर वाले टीचिंग को कोई भी जैसे टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर एबल टू सी योर एक्सप्रेशंस, आपको नींद आ रही है क्या, आपको समझ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये सब चीजें हमको खुद देखने को मिलती है। आज हम लोग वर्चुअली क्लास ले रहे हैं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा आप सुन रहे हो कि आपने सिर्फ मोबाइल लगा के रखा है और आप अपने काम कर रहे हैं। तो ये जो ड्रॉबैक है ये ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन टीचिंग में नहीं आता। आप लोग हमारे सामने होते हो और मुझे पता चलता है कि एक्चुअली आपको समझा है या नहीं समझा है। मैं चेहरा देखकर बता सकता हूं आपको नहीं समझ में आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं पट से, नहीं समझा है तो बोलेंगे नहीं समझा है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं भी समझा है तो बेचारे का ये लेवल इतना बड़ा नहीं होता कि वो लोग कुछ बोल पाए। तो सबसे पहली बात जो आज मैं सिखाना चाहता हूं आप लोगों को वो ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हो तो सबसे पहले डरना जो है ये पैरामीटर छोड़ दो। डरना नहीं है, हमने किसी के घर में चोरी नहीं की है, हम लोग गलत कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ने के लिए पूछ रहे हैं। तो आप लोगों ने वो बहुत ही इफिशियंटली पूछना चाहिए। अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है कॉलेज में और आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उसको 100% लेना चाहिए। मेरा एज फार एज माई टीचिंग इज कंसर्न, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि जब तक के एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी तब तक के हम लोग वही चीज पढ़ते रहेंगे। वो चीज जब आप बगैर नोट्स देखे लिखना लिख पाओगे, हाँ रिमेम्बर माय वर्ड्स, जब तक आप अपने से विदाउट नोट्स पढ़े जो भी चीज मैंने पढ़ाई है वो जब तक के आप लिख नहीं पाओगे तब तक के मैं उसको पढ़ाते रहूंगा। फिर वो लास्ट स्टूडेंट एक अकेला स्टूडेंट भी क्यों ना हो, बट उसके लिए आपका अटेंडेंस मुझे बहुत जरूरी है। आपने रेगुलर रहना चाहिए और आपने सिर्फ मेरे क्लासेस अटेंड करना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। समझ में आया क्या? सो मुझे लगता है कि अभी और भी बच्चे अपने यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, अभी कुछ बच्चे और ऐड होने वाले हैं। सो हम लोग अभी ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, पहले स्टार्टिंग में इन द इनिशियल क्लासेस हम लोग शायद कुछ एक ब्रिज कोर्स लेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप लोग बहुत कुछ पढ़कर आए हो तो आपको बहुत इजी जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इसके बहुत सारे फायदे मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज जो लेक्चर हम लोगों ने ये लिया है ये लेक्चर सिर्फ जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है क्या है और हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका ज्वाइनिंग का, या क्या करना है कैसे करना है। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं हो पाए, so there are only 14 students who have joined, so might be there are network problems, network issues जिसके वजह से वो join नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें रहेगी यहाँ पर। तो ये सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये आज का क्लास रखा हुआ था। अदर देन दैट अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या बताना है तो द प्लेटफॉर्म इज रेडी फॉर यू, आप यू कैन इंटरैक्ट। तो शैल वी स्टार्ट विद द इंटरेक्शन, अभी आपको किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नैन्सी कुछ बोलना है बेटा? नैन्सी का तो काउंसलिंग हो चुका है पर स्टिल नो सर। थैंक यू। और कोई है? अमीशा, मैं अभी एक एक यानी मेरा ऐसा रहता है कि मैं एक एक बच्चों का ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि हमारे क्लास में बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो हमारे पास पूरा का पूरा ऑरा होता है कि आप लोगों पर फोकस कर पाए, एक एक बच्चों पर फोकस कर पाए। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री जैसे 100-150 बच्चे नहीं रहते हमारे पास कि 100-150 बच्चे की तरफ ध्यान देना नहीं होता। हमारा फैमिली बहुत छोटी है, 40-35 स्टूडेंट्स नियरली होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, और ये 40 स्टूडेंट्स पर ध्यान देना बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट?
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज ये है कि मुझे इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ पढ़ाना में मजा आता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से अगर किसी को अभी डिफिकल्टी है तो हम लोग अभी बात कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक फॉर्मल क्लास रखी है, इट्स नॉट अ रेगुलर क्लास, से इट इज ऑन हॉलीडे स्टिल। तो अभी आप में से अगर किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो यू कैन आस्क। अच्छा, वी हैव वन स्टूडेंट, होपफुली ओमकार बोबड़े शायद, राइट? तो ये स्टूडेंट जो है ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, एंड इट इज से ही इज एन एग्जाम्पल फॉर यू पीपल्स, क्योंकि ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज इन अवर डिपार्टमेंट, एंड स्टिल ही हैज मेड इट अ पॉइंट टू टेक एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओमकार, कैन वी हियर यू? और someday we will, what we will do is, we will arrange a get together with all your seniors. तो second year के बच्चे और final year के बच्चे, इनको भी हम लोग involve करेंगे और फिर उनके साथ हम लोग एक interaction रखेंगे। तो ये सब है pipeline में, यानी बहुत सारी चीजें अभी करनी है हम लोगों को। तो let us start with something। तो offline classes में, sorry, ये सब चीजें होती है, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये चेक करते हैं। तो आई वुड लाइक टू हियर विद ओमकार बोबड़े। ओमकार प्लीज बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो व्हाई यू हैव टेकन एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन आई एम एंग्शियस टू नो। बोलो बेटा ओमकार। हेलो सर, ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब केमिस्ट्री नहीं लेना था इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड डेफिनेटली आई लव दिस फ्रैंकनेस। मुझे ये फ्रैंकनेस रखो आप लोग, यू विल एंजॉय इलेक्ट्रॉनिक्स। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि हम लोग यहाँ पर वी आर हियर टू एंजॉय। सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, और आप उसमें सीखोगे तो आपको मजा आएगा। तो हम लोगों को मजा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, न कि ये पढ़ना। ये सब हो जाएगा इजीली, तुम देखना। और जो लोग रेगुलर रहते हैं उनको सब पता है। अच्छा, आपको एक और बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे डिपार्टमेंट का मैं हमेशा ये करता हूँ कि द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट इन द कॉलेज, इन मोहता साइंस कॉलेज, इज द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो होती है अपने कॉलेज में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। तो दिस इज अ ग्रेट प्राउड फॉर मी एंड फॉर माय डिपार्टमेंट एंड फॉर यू पीपल्स नाउ, सिंस यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डिपार्टमेंट। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग इसको एनकैश करो और आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट में आए हो। मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोगों ने बहुत सारे MOUs किए हैं, तो MSc भी हमारे यहाँ, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट होने वाला है, विच आई वॉज ईगरली वेटिंग। तो अगर हमारे पास MSc इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो जाता है तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एंड मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, ये BSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर सीधा अब्रॉड जाए, यहाँ इंडिया के लिए ना सोचे। और वो कैपेबिलिटीज और आपकी एबिलिटीज वो सब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपको वैसा एनरिच करेंगे। तो ये है हमारा अपने इस पे। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। बट ओमकार, रिमेम्बर माय वर्ड्स, आप बहुत क्या कहते हैं, ये महसूस करोगे, प्राउड महसूस करोगे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन किया। बहुत सारे लोगों का ये विचार रहता है, पर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वो लोग सीखना चालू करते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं सर, हमने अच्छा किया इलेक्ट्रॉनिक्स लिया करके। सो यू विल फील दैट डेफिनेटली, एंड आई एम कॉन्फिडेंट। आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस होता है ये नहीं पता मुझे, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा पूरा स्टाफ बहुत कॉन्फिडेंट है। तो यस, विद द हेल्प ऑफ यू पीपल्स वी विल डेफिनेटली do bigger things in small packets. So, thank you, sir. So, yes, welcome. I again welcome you all on behalf of
श्री मथुरा दास मोहता कॉलेज ऑफ साइंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई फील प्रिविलेज टू वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू वेरी हेल्दी हैप्पी एंड द प्रॉस्परस डे इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट. देखे अभी ये कब तक के ऑनलाइन चलता है, ये जैसे ऑनलाइन खत्म हो जाए तो हम लोग बहुत सारा कुछ शुरू करें. टू स्टार्ट विथ फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे होपफुली वी विल बी आई होप आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश. तो मैक्सिमम आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी में बतानी ही पड़ती है. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे सर कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है और सर समझ में नहीं आया, ऐसा कभी कुछ लगे तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल डोंट टेक इट अदरवाइज. आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोगों को पूछने की आदत डालनी ही पड़ेगी. जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, ये याद रखना. तो आपको जब कभी भी ऐसी डिफिकल्टी रही एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न तो आप बेझिझक पूछिए. ये मत सोचिए कि आगे वाला क्या बोलेगा या कि कोई और क्या बोलेगा या इतना सा नहीं समझा क्या, ये नहीं, ये सब चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होती. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है, आप जीरो हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये समझकर ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं. पर सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब कभी भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहनी चाहिए, ना कि आप एग्जाम के लिए उसको याद रखो. ये मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को. तो आप लोगों ने कोई भी एक चीज अगर पढ़ी है तो वो आपको नींद से उठाने के बाद भी अगर पूछा जाए कि ये आपको आता है क्या, तो यू शुड बी एबल टू आंसर. ये लेवल पर अगर आपको पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में वेलकम हो. नहीं पढ़ना है तो आई विल क्रिएट दैट इंटरेस्ट. नहीं पढ़ना है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मतलब मैं आपको पढ़ा सकता हूं पर आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट योर आंसर शीट्स, है ना. लिखना आपको ही है, आंसर आपको ही देने. तो विद दिस नोट आई होप, देखिए अभी लास्ट में सब खत्म होने के बाद एक और ज्वाइन कर. सो आई होप विद दिस नोट वे मे कंक्लूड दिस क्लास एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल पीपल्स दैट यू हैव ज्वाइंड दिस मीटिंग. दो इट वॉज जस्ट अ फॉर्मल मीटिंग बट ऑन माई कॉल इवन इफ यू. अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको इमरजेंसी रहे या कुछ प्रॉब्लम रहे आप ज्वाइन नहीं कर पाओ तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप दैट ड्यू टू सब अनअवॉइडेबल कंडीशंस और रीजंस आई एम नॉट एबल टू अटेंड दोज क्लासेस. सो ये जो रहेगा ये हमारे पास एक डेटा रहेगा और आपका एक उसमें पॉजिटिव अप्रोच दिखता है कि आप क्लास करना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजंस यू आर नॉट एबल टू डू दैट एंड वी आर कन्फर्म कि ठीक है नेक्स्ट टाइम यू विल बी अवेलेबल फॉर द क्लास, राइट. तो ये सब चीजें थोड़ा सा दो तीन चीजें हैं जो थोड़ा सा प्रोटोकॉल मेंटेन करना है और ये आप लोग करोगे ऐसा मुझे लगता है. तो विद दिस नोट आई होप हम लोग आज एंड कर सकते हैं. मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहिए क्या, ये आप थोड़ा एक सेकेंड. सो यस, सो विद दिस आई होप वी कुड कंक्लूड दिस क्लास एंड आई होप एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग इज फाइन विद at your end. So stay home, stay safe, take care of yourself and keep attending my classes. That is what I request you all. And please be attentive. And if you have any difficulties, let me assure you that you will be rectified at the earliest and you will be given priority to be rectified, right? So thank you very much for joining. Stay home, stay safe, take care. Bye. See you soon. I am ending the meeting for you all. Good day.